इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए। हर एक स्पीड लिमिट फॉलो करूंगा मैं अगले 200 किलोमीटर तक। कितने तक की स्पीड अलाउड है? 80 तक की है। 80 तक की है बस, थोड़ा ऊपर नीचे नहीं चलता। टेक फोटो, ये देखा भाई, स्पीड लिमिट फॉलो कर लो यार, तुम्हारी तो कार से भी कम होती होगी ना। ये है दौलतपुरा टोल प्लाजा। दौलतपुरा टोल प्लाजा से मानेसर टोल प्लाजा तक 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हम हर बार 3 घंटे में कवर कर लेते हैं, जिसमें 10 मिनट का एक स्टॉप इंक्लूड होता है। आज मैं वो स्टॉप तो लूंगा, लेकिन हर एक स्पीड लिमिट को लूंगा, 30 की, 40 की, 50 की, 80 की, जो भी स्पीड लिमिट है, आई विल फॉलो दैट एंड लेट्स सी कितना टाइम लगता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की वीडियो में। देखते हैं क्या कुछ मिलता है आज। सबसे पहले इस वीडियो का लॉजिक क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पीड लिमिट लिखी जाती है, इनका कई जगहों पे कोई लॉजिक नहीं होता है, टाइमली अपडेट नहीं की जाती है, और जिन नियमों के हिसाब से ये स्पीड लिमिट डिसाइड की जाती है, वो नियम अब पुराने हो चुके हैं। तो हम डिस्कशन यहाँ पे करके सरकार और अथॉरिटीज़ का ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ ये, इस पर्टिकुलर सीरीज़ में और भी वीडियोज़ आएगी ऐसे मुद्दों पर। सबसे पहले बात करेंगे सीरीज़ क्या है। सीरीज़ का नाम रख रहे हैं रोड अहेड, ठीक है, हैशटैग रोड अहेड, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। आज हम स्पीड लिमिट की बात करेंगे। 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है, मैं ये रीसेट कर देता हूँ। ये हमने रीसेट कर दी है और 836 हुआ है। लेट्स सी कि क्या कुछ होता है। 4188 किलोमीटर अभी है गाड़ी और 836 पे है हम। इस पुलिस वाले अब जो है वो रहते हैं, मतलब इंटरसेप्टर रहती है यहाँ पे इस हाईवे पे, और हमने एक बार इंटरेक्शन किया था। हमने उनको पूछा सर कितने स्पीड लिमिट अलाउड है। कितने तक की स्पीड अलाउड है? 80 तक की है। 80 तक की है बस, थोड़ा ऊपर नीचे नहीं चलता। हालांकि वो मुझे बताया 85-87 तक नहीं कुछ बोलते हैं, ना रोकते हैं गाड़ी ना चालान करता है, बट फिर भी हम 80 ही मेंटेन करके चल रहे हैं। बाकी टाइम पे भी 80 मेंटेन करके चलते हैं, बस ये 30-30 की जो अनयूजुअल स्पीड लिमिट है ये फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये पुरानी अपडेटेड नहीं है। लेट्स सी आज कितना टाइम लगता है। ओके, 15 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं। फॉर्चुनेटली अभी तक स्पीड लिमिट 80 ही है, कहीं पर भी कुछ और स्पीड लिमिट नहीं आई है। लेकिन इस हाईवे पे मैं हर बार जाता हूँ, हर वीक जाता हूँ, और मुझे बताया कई जगहों पे बहुत ऑड स्पीड लिमिट अभी आएगी। मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या ऑड स्पीड लिमिट्स हैं, और कई जगहों पे तो मतलब ऐसे ही लॉजिकल स्पीड लिमिट्स, और कई जगहों पे ओके ये डैश कैम बोल रहा है, अभी डैश कैम की भी बात करेंगे। कई जगहों पे ऐसे इलॉजिकल स्पीड लिमिट्स है, मतलब जो आप सोचते हो कह रहे क्यों लगी हुई है यहाँ पे, अभी वो भी आएगी। और कई जगहों पे जहाँ लिखनी चाहिए वहाँ पे भी लिखी हुई नहीं है। ऐसा नहीं कि अपडेट नहीं हो रहा, अपडेट होता रहता है। अभी बीच में एक डाइवर्जन लगा हुआ है कहीं, वहाँ पे स्पीड लिमिट अपडेट की गई है, हाल ही में की गई हो, लेकिन पुरानी चीज़ों को अपडेट नहीं किया जाता है। और कुछ कुछ स्पीड लिमिट दिखती नहीं है, पेड़ों में घुस गई है, किसी पे कुछ चिपका दिया गया है, कुछ कुछ पता ही नहीं चलती क्या स्पीड लिमिट है। अब टेक्निकली 80 की स्पीड लिमिट है, बट आगे बैरिकेड आ गए और टर्न भी आ गया, बट कहीं पे भी स्पीड लिमिट स्लो करने का कोई भी सिंबल या ऐसी कोई चीज़ नहीं लग रखी। तो वो थोड़ा सा उधर एक स्टॉप साइन जैसा लग रखा है, बट कहाँ स्टॉप करना है, रोड पे कोई मार्किंग नहीं है। तो मतलब देखो, प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक मार्किंग वगैरह नहीं होती तो लोगों को वो फील नहीं आता। यूनिफॉर्मिटी जब तक नहीं होती तो लोगों को ऐसा लगता है अच्छा यहाँ लिखी हुई है, वहाँ लिखी हुई, पता नहीं कौन सी काम की है कौन सी नहीं है, वो वाली एक चीज़ हो जाती है। अभी फिर से 80 की स्पीड लिमिट ही है, क्योंकि हुआ तो कुछ नहीं है, बैरिकेड ही आया था बीच में, तो अगेन पुट आर क्रूज कंट्रोल एट 80 और हम 80 पे चलते रहेंगे। और जब तक हम 80 पे चल रहे हैं, कुछ और चीज़ नहीं आती तब तक बात कर लेते हैं डैश कैम की। ये डैश कैम मैंने आपको पहले भी इस सेम ब्रांड का एक और पुराना डैश कैम जब तक हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया था। 70 MAI का डैश कैम है ये, M500 मॉडल है, और अगर आपको स्पेक्स जानने हैं तो 5 MP कैमरा है, 170 डिग्री का उसका वो एंगल बनता है, बहुत बढ़िया है। हम लोग 2 महीने से यूज़ कर रहे हैं, और अच्छी बात ये है कि ये यहाँ राजस्थान के एक्सट्रीम टेम्परेचर सर्वाइव कर रहा है। मोस्टली डैश कैम के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर जो होते हैं वो उसमें काम नहीं कर पाता, कभी बैटरी फुल जाती है, मेमोरी कार्ड जो है वो रीड करना बंद करता है, मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाते हैं। यहाँ वो दिक्कतें नहीं है, इनफैक्ट इसमें मेमोरी कार्ड लगता है, इसके अंदर ही स्टोरेज बिल्ट इन आता है, और आप अपने ऐप से जो है चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, अगर आपको करनी है तो कोई फुटेज वगैरह डाउनलोड करनी है तो। और साथ ही में कोई बैटरी बड़ी नहीं आती, छोटी सी बैटरी पैक आती है। अभी हमने इसको तार से इसलिए लटका रखा है क्योंकि हम इसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, अलग अलग गाड़ियों में यूज़ करते रहते हैं, बट इसके साथ में एक वायर आता है, इसको बहुत लंबा वायर है, आप इसको प्रॉपरली कनेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है इसके साथ में ना एक आता है, एक और वायर आता है जो कि डायरेक्टली बैटरी से कनेक्ट हो जाता है, और 24 घंटे आपका उस पर जो है कैमरा चलता रहेगा। अगर उसको लगेगा कि भैया बैटरी लो है गाड़ी की तो बंद हो जाएगा, विच इज़ अ वेरी स्मार्ट थिंग। आप पार्किंग सर्विलेंस आपका चलता रहता है, अगर आपकी गाड़ी महीनों खड़ी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी की बैटरी ड्रेन नहीं होने देगा, एट द सेम टाइम वो जो है पार्किंग सर्विलेंस उसकी चलती रहेगी। बाकी एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, मेरा फेवरेट चीज़ है, टेक फोटो,
ये देखा टेक फोटो बोलती आवाज क्लिक कर देता है फोटो, ये बहुत ही बड़ी चीज़। इसमें इसमें एडास के फंक्शन भी आते हैं, कोई राइडर डिटेक्ट हो रहा है, पेडेस्ट्रियन डिटेक्ट हो रहा है, कार फ्रंट वाली मूव हो गई है या क्लोज आ रही है, वो सब चीज़ें भी बताता है। हालांकि वो सब कैमरा बेस्ड है, और कैमरा से याद आया मुझे, अगर आप इसको स्टोर करते हो, मतलब हम स्टोर करते हैं यूजली, आप तो चिपका के रहोगे, अगर आप इसको स्टोर करते हो तो इसके लेंस का खास ख्याल रखना, स्क्रैचेस वगैरह हो जाते हैं अगर कहीं से रगड़ खाएंगे तो यूजली कहीं अगर भी आपको नहीं यूज़ करना है तो ऐसी जगहों पर रखना जहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट ना हो और लेंस वगैरह पर कोई स्क्रैच ना हो। ये सारे जो है उन पर वैलिड होता है, सारे के सारे जो आपके होंगे डैश कैम उन पर। अब आप देख रहे होंगे वहाँ कई जगहों पे रॉन्ग साइड से ओवरटेकिंग हो रही है, उसका रीज़न ये है कि ट्रक्स नहीं देते हैं साइड आपको फास्ट लेन में, तो मोस्टली मिडिल या स्लो लेन में जो है मैं स्पीड कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पा रहा हूँ। एनीवे डैश कैम के बारे में ये, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आपको लेना हो तो। थोड़ा सा प्रीमियम साइड में हो सकता है, बट ये काम बहुत अच्छा करता है, रिलायबल है, जो कि मेरे को इसके बारे में अच्छी लगी। अच्छी क्वालिटी है, ब्राइट टू डार्क एरियाज़ में जब भी हम जाते हैं तो भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने मतलब ऐसा 2-3 बार एक्सपीरियंस किया है कि एकदम कहीं टनल के नीचे से या कहीं फ्लाईओवर के नीचे से वगैरह निकले तो भी किसी तरीके का कोई इशू नहीं था। डाइवर्जन होते होते 30 की स्पीड लिमिट आ गई है, हम भी स्लो हो रहे हैं, 30 की स्पीड लिमिट हो गई है। अभी तक मैंने 44 ही रिड्यूस की है और पीछे से लोग हॉर्न मारने लग गए हैं, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, कोई फॉलो नहीं करता है भाई साहब स्पीड लिमिट। अब 30 की स्पीड पे आया हूँ मैं, एंड लेट्स सी कितनी गालियाँ पड़ने वाली है मेरे को। मैं साइड में ले लेता हूँ पहले, एक काम करता हूँ और मैं 30 ही फॉलो करूँगा। क्रूज़ कंट्रोल 30 पे लगता ही नहीं यार, लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा 30 पे क्रूज़ कंट्रोल, नहीं लगेगा, लग गया 31 पे 30 पे क्रूज़ कंट्रोल लग गया। मैं 30 फॉलो कर रहा हूँ, ये CNG वाला ट्रक जो है ऑन मार रहा था। अब देखते हैं कितनी देर 30 पे चलना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब मेरे से आगे जा रहे हैं, ये रॉन्ग साइड आ रहा, देखो। टेक्निकली हमारी स्पीड लिमिट जो है वो यहाँ पे वापस सही हो जानी चाहिए, 30 की स्पीड लिमिट चेंज होकर 80 हो जानी चाहिए। अब डाइवर्जन के टाइम पे तो फ्रेश बोर्ड लगाया गया था स्पीड लिमिट चेंज करने का, बट अभी तक आगे पता नहीं कहीं बोर्ड लगा होगा नहीं होगा, और जब तक बोर्ड नहीं आता है तब तक हम लोगों को जो है स्पीड लिमिट फॉलो करनी है। तो आई विल पुट इट अगेन 30 पे और लेट्स सी, मुझे लगता है आज बहुत गालियाँ खाने वाला हूँ मैं। क्योंकि अभी कोई बोर्ड नहीं आया है जो बोल रहा है स्पीड लिमिट चेंज हो गई है, सब लोग तो तेज़ी तेज़ी से जा रहे हैं। वैसे मतलब इसी हाईवे पे एक दो जगह रेस्ट्रिक्शन एंड्स वाले बोर्ड लग रखे हैं, कहीं पे अगर स्पीड लिमिट लो हो रही है तो आगे आ जाता है कि भैया रेस्ट्रिक्शन एंड, या कहीं नो ओवरटेक का साइन है तो उसके आगे आ जाता है रेस्ट्रिक्शन एंड, अब आप ओवरटेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ भाई साहब, तो चल रहे हैं आराम से। आज माइलेज बहुत देगी गाड़ी भाई, बहुत गजब माइलेज दे रही है, 28 का माइलेज दे रही है गाड़ी, मस्त एकदम बढ़िया माइलेज। तकड़क 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 करते हुए हम टोल प्लाजा पहुँच चुके हैं हमारे रथ पे। और भाई अब बीच में मत आ प्लीज़ यार, मतलब इतना स्लो आ रहे हैं, मतलब तो हमें कब से क्रॉस करके गया है। अब टोल प्लाजा के बाद स्पीड लिमिट जो है वो कहीं लिखी होगी उसकी उम्मीद है, लेट्स सी। अरे स्पीड लिमिट लिखी हुई है वो रही, हम वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा 30 तक। वो क्या लिखी है, जैसे ही दिख जाएगी हमें कि क्या स्पीड लिमिट लिखी हुई है उसके बाद, अरे यार 40 ही लिखी हुई है, कुछ ज़्यादा ही कुछ हो गया हमें। एनीवे 40 ही फॉलो कर लेते हैं अभी तो, देखो 40 की स्पीड लिमिट। अटेंशन टू राइडर्स, जी हाँ अटेंशन दे रहे हैं हम राइडर्स को, यस हमें मत सिखाओ स्पीड लिमिट बढ़ाते हुए, क्योंकि आपको दिखा दूं कि वहाँ पे स्पीड लिमिट बढ़ रही है। ये देखो अब हम 60, 70, 80 फुल जोश में चलो। तो हमारी 80 की स्पीड लिमिट बरकरार थी, बट एक क्रॉसिंग आ गई है और कहीं पे भी लिखा हुआ ही नहीं स्पीड लिमिट चेंज होने का, लेकिन स्लो तो करना पड़ेगा, क्रॉसिंग आई है, पुलिस वाले भैया ने रोका भी हमें। बढ़िया 80 पे जा रहे थे हम और स्पीड लिमिट आ गई है, अब 40 की आई है, जबकि क्रॉसिंग तो पीछे रह गई, आगे तो कोई क्रॉसिंग भी नहीं दिख रही मेरे को, अब 30 की हो रही है, ये क्या सिस्टम हो रहा है, आगे तो कोई क्रॉसिंग भी नहीं है। चलो अब करते हैं, आई है तो आई है, 45, 30, ये 30 की हमारी स्पीड लिमिट लग गई है। अब देखते हैं दंश कितनी देर चलना, नहीं एक्चुअली है आगे एक क्रॉसिंग है बहुत आगे, बट ये तो छोटी सी मतलब ऐसे यूटर्न टाइप है, वहाँ इतनी बड़ी चौराहा बन रखा है उस पर कोई भी लिमिट नहीं रखी हुई है। डायवर्जन अहेड 120 मीटर बाद में डायवर्जन है, यहाँ से 200 मीटर तो मेरे को सीधा दिख रहा है, कोई डायवर्जन नहीं है, पुराना हो गया शायद वो, पहले कोई डायवर्जन रहा होगा यहाँ पे, हाँ इधर कोई डायवर्जन रहा होगा, फ्लाईओवर नहीं चढ़ने देते होंगे, बट वो अब पुरानी हो गई बात है, लेकिन ये बोर्ड अभी भी लगे हुए हैं। कब तक चलाएंगे अब हम 30 की स्पीड लिमिट पे, कोई अपडेट नहीं हुआ है, लेट्स सी। टाइम हुआ है 9:16, हम चले हैं 37.6 किलोमीटर्स, 28.1 का माइलेज मिल रहा है, और टोटल 49 मिनट्स हमें चले हुए हैं, 39 40 मिनट्स में चले हुए। ओके तो
फॉर अ लार्ज सेक्शन हमारी स्पीड लिमिट बहुत बढ़िया थी, 106 किलोमीटर हम आ गए हैं 1 घंटे 40 मिनट में, जो कि बढ़िया डिसेंट जो है स्पीड लिमिट, मतलब स्पीड चल रही है हमारी, एवरेज स्पीड चल रही है। बट अब वक्त आ चुका है वो 10 मिनट का ब्रेक लेने का, और 10 मिनट ही रख पाते हैं, जितने भी मिनट रख पाते हैं हम आपको अपडेट कर देंगे। ओके 10:20 हुई है, 10:30 तक वापस आना है, चलो। ओके जी, तो हम टेक्निकली 6 मिनट लेट हैं, अभी भी हमने खाना खाया नहीं, हम खाना खाएंगे और 4 मिनट में निकल जाएंगे, मतलब हम 10 मिनट लेट चल रहे हैं, तो 10 मिनट बाद में एरर हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके फाइनली 80 की स्पीड लिमिट शुरू हो गई है, राजस्थान बॉर्डर ख़त्म हो रहा है, हरियाणा बॉर्डर, मतलब बेसिकली राजस्थान हरियाणा बॉर्डर आ रहा है, राजस्थान की सीमाएँ समाप्त होके हरियाणा की आ रही है। लेट्स सी हरियाणा में भी क्या हमें यात्रा की स्पीड लिमिट्स मिलती है, ऑब्वियसली मिलेंगी क्योंकि हाईवे तो वही है। बीच में 30 की स्पीड लिमिट हुई, उसके बाद में 80 की हुई और तुरंत 40 की हो गई, तब से हम 40 चलते आ रहे थे पिछले ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर से। नाउ स्पीड लिमिट हैज चेंज, कार जीप की 90, भाई मजा आ गया यार, मजा आ गया। हालांकि ये बहुत ही पुराना बोर्ड लग रहा था, अब नया बोर्ड कहीं अपडेट ना हो जाए, लेट्स सी, अभी 90 सेट करते हैं, जब तक अपडेट ना हो तब तक तो 90 है भाई। देखो ये दिन आ गए हैं, विक्रम आगे निकल रहा है भाई, स्पीड लिमिट फॉलो कर लो यार, तुम्हारी तो कार से भी कम होती होगी ना। ओके जी, तो 11:46 हुई है, 11:46 जो है टेक्निकली हम 11:36 पे पहुँचते हम, अगर हम रेगुलर स्पीड पे आते, क्योंकि हम 10 मिनट एक्स्ट्रा रुके हैं, हमने 11:46 पे पहुँचना था, बट अभी हम हैं ऑलमोस्ट 42 किलोमीटर दूर, और नो डाउट स्लो चल रहे हैं हम। बट दो ही चीज़ बढ़िया हो रही है, एक तो गाड़ी दे रही है दबा के माइलेज, 25 का फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है हमें, एक कोई स्पीड लिमिट आई है जिसमें 60 लिखा हुआ है, जिसका 6 मिटा हुआ है वहाँ पे, आई कैन सी दैट 60 है। अब फाइनली अपडेट करते हैं, इतनी देर हम 40 पे चल रहे थे यार, परेशान हो गए थे बाय गॉड, तो है ओके। तो स्पीड लिमिट फॉलो करते करते जो है एक फ़ायदा तो फ्यूल एफिशिएंसी का, दूसरा ये है कि हमें कोई चालान काट ही नहीं सकता भाई साहब, कैसे काटेगा, हम 40 पे चल रहे हैं, सब लोग 80 पे चल रहे हैं, हमारा क्यों कटेगा चालान। ओके जी, तो 12:40 हुई है, मोटा मोटी बात यह है कि ऑलमोस्ट 4 घंटे हमें लगे हैं, जहाँ पे हम 3 घंटे स्पेंड करते थे, क्योंकि हमने 10 मिनट का एक्स्ट्रा गैप लिया था, तो आप माइनस कर लीजिए 50 मिनट जो है हमें ज़्यादा लगे हैं। और देखो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम स्पीड लिमिट्स की नहीं है, इट्स जस्ट कि साइंस टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किए गए हैं, जहाँ पे लगा दिया गया 30 का, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन हट कब रहा है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और कुछ कुछ जगह कुछ कुछ पैचेज ऐसे हैं जो कि बड़े पैचेज हैं, जहाँ पे इजीली 90 की स्पीड अलाउ की जाती है, स्पेशली राजस्थान में, वहाँ पे वो अपडेटेड नहीं है। तो ओवरऑल ज़रूरत ये है कि गोइंग फॉरवर्ड हम लोगों को जो है सड़कों की स्पीड लिमिट भी अपडेट करनी चाहिए, प्लस रोड साइंस को रेगुलरली मेंटेन रखना चाहिए। एक देखिए 30 का साइन बोर्ड लगा हुआ था, ऐसे झुका हुआ था, उसको कोई नहीं ध्यान देता भाई, हमने दे लिया ध्यान क्योंकि हम इसीलिए देख रहे थे, वरना मैंने कभी नहीं नोटिस किया कि वो साइन बोर्ड भी वहाँ पे था। तो ये चीज़ें हैं, आई थिंक गवर्नमेंट को या NHAI को जो है प्रॉपरली स्पीड लिमिट्स जो है उनके बोर्ड जो है मेंटेन करने चाहिए, ताकि लोग उनको सीरियसली लें। अब वो साइन बोर्ड कोई टूटा हुआ पड़ा है, कोई 30 हो गई उसके बाद में 10-10 किलोमीटर तक 30 से स्पीड लिमिट चेंज ही नहीं हो रही है, यहाँ हरियाणा में एक जगह 90 आई उसके बाद में 40-60 यही स्पीड लिमिट चले जा रही थी, जबकि प्रॉपर 3-लेन हाईवे सब लोग 90-80 स्पीड कर रहे थे। तो अपडेट करना ज़रूरी है, साथ ही में हम लोगों का भी स्पीड लिमिट को जो है कंप्लाई करना ज़रूरी है। बाकी फ़िलहाल रोड अहेड का ये फर्स्ट एपिसोड आपको कैसा लगा, मूविंग फॉरवर्ड हम भी थोड़ा सा और बेटर शूट करेंगे, अभी तो यही था, एक एक्सपेरिमेंट था, पसंद आया नहीं आया बता सकते हैं अगली वीडियो के लिए। दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।